और आनंद भी पीछे से फोन से शूट कर रहा है। यहाँ पे तार लगा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप शायद देख लीजिए कितना मस्त लोकेशन है, क्या क्या है अंदर में। और आप लोग को ऐसी ये वीडियो ना लाइक करना है। सो हेलो गाइस, आज की जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। और मैं अभी हूँ मनीष के घर पे, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट लेने आया था। और हमारे साथ हैं आनंद, मनीष है, और हम और आनंद निकल रहे हैं अभी एक टूर में, और आपको भी दिखाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली। क्या आनंद बताओ, कैसा ब्लॉग होने वाला है आज का? दमदार, कोई बात ही नहीं। क्या सो गाइस, हेलमेट लगा के रेडी हो चुके हैं, बस आनंद आ रहा है। चलो आनंद, गाड़ी तो अपना यही है, तो निकल रहे हैं हम लोग। और गाइस हम लोग जो जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते से। आप देख सकते हैं रास्ता किस तरह का है। और पता नहीं किस जगह पे खड़े आगे कर दिया आनंद, देखिए वहाँ है, और किस जगह खड़ा किया हमको खुद नहीं पता है। और अब जो है गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बिल्कुल। और क्योंकि इस जगह इतना अच्छा लगा ना, अब जंगल के बीचों बीच आप देखोगे ना, रोड इतना बढ़िया है, तो हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए इस जगह पे। आप देख ले कितना अच्छा जगह है, और रुक के थोड़ा सोचें क्या ये कर लेते हैं। आप इस साइड से कैसे बता नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर है गोड्डा, देखिए गाइस यहाँ से 19 किलोमीटर है गोड्डा, यहाँ से 19 किलोमीटर है उधर नहीं। और हम लोग इधर से जाके अभी कौन सा मोड़ लेंगे हमको खुद नहीं पता, मोड़ पे जाके रुकेंगे तब आपको बता पाएंगे, क्योंकि आपको पहले बता देंगे, फर्स्ट टाइम जर्नी है तो समझ ही नहीं आता किधर से किधर से जा रहे हैं। आनंद रोड के बारे में पता है लेकिन सिर्फ ये वो जगह नहीं गया, तो चलिए फिर बिना लेट किए हुए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक 3 बटी रास्ते पे, आप देख सकते हैं। और हम लोग जो आए हैं, हम लोग आए हैं इधर से, और यहाँ देख सकते हैं आप, हम माधव थान, हम लोग माधव थान वाला रास्ता से आए यहाँ पे। और एक रास्ता गाइस जो इधर से है, ये है हमारा गोड्डा वाला रास्ता। आप देखें यहाँ पे टेसो बथान लिखा हुआ है, इधर से आप गोड्डा जा सकते हैं। और हम लोग को चलना है इधर, जो आप तीर देख रहे हैं वहाँ पे मारा है धर्मपुर, तो हम लोग को इधर से चलना है धर्मपुर ये वाले रास्ते से। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा जगह है। अभी हम लोग एक पुल पे हैं, रामपुर से आए हैं अभी। आप देखिए नदी का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना मस्त वाला नदी है, वाह। और इस साइड से दिखाते हैं आपको, है ना कितना मस्त। देखिए पता नहीं गाइस कौन सा नदी है ये, हमको नहीं पता, लेकिन आप रामपुर से जब आगे आते हैं तो एक और पुल मिला था जो कि बहुत ही बड़ा लंबा था, बहुत लंबा सा पुल था वो, ठीक है। और ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये नदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो नदी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आनंद देखते हैं आप फोटो शूट कर रहा है। तो गाइस आनंद इसका हाँ अंकल बोलिए, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अंकल जी को मिल गए, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब किधर से अंकल? धर्मपुर? नहीं नहीं सही है यार, सच है, कोई भी रोक लेता कि कहाँ कैमरा कर रहे हैं क्या करते हैं। गाइस तो पता है यहाँ पे सर मिले, हम पहचान नहीं पाए थे उस समय जब आए थे, तो नंबर से पता चला कि सर है। खाना से है सर, तो हम लोग बस कैप्चर करते हैं अच्छा अच्छा खूबसूरत चीज़ों को, एक्सप्लोर करते हैं सर, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं प्रीतम कुमार ब्लॉग्स, मेरा चैनल का नाम है, ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइस उस समय हम नहीं पहचान पाए थे, ये लोग थाना के ही स्टाफ हैं, यहीं के इंचार्ज हैं, तो इसीलिए हमको शायद पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और हमको ये भी बोले कि आदिवासी जगह है, ताकि यहाँ पे मत रुकना चाहिए ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो
ये जो जगह अभी हम लोग वहाँ से जो निकले गाइस, वो जो पूल है उससे जो है थोड़ा सा लगभग 100 मीटर दूर आए हैं और यहाँ पे पड़ता है सिमलोंग जगह है, ये गाँव है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं रामपुर तरफ से और ये जो जगह है गाइस, हम लोग को यहाँ से ना राइट लेना है और ये जो जगह है आप देखिए जिला पाकुड़ पड़ता है, सिमलोंग ओपी, क्या बात है। और ये पाकुड़ जिला के अंदर आता है, तो हम लोग चलेंगे बस इधर से। आप अगर रामपुर साइड से आते हो अगर इधर से, तो आपको यहाँ से राइट ले लेना है ये वाले रास्ते से। तो चलिए आना, ये गाड़ी में वेट कर रहा है बंदा। तो दोस्तों आपको जैसे हम बताएं कि वहाँ आपको दिखाएं कि पाकुड़ जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से थोड़ा सिमलोंग पड़ता है, वहाँ पे थाना भी है आगे। अब वहाँ से थोड़ा सा आगे आएँ तो आप देख सकते हैं कितना मस्त, मतलब कांसी सब आप देखिए वाइट वाइट कितना मस्त दिखता होगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखा है, ये जो है गाइस ना, ये चीज़ ये ना कोयला का खदान है, जैसे आनंद बताया हमको। यहाँ पे तार लगा हुआ है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, आप शायद देख लीजिए, देख रहे हैं ना, इसमें पानी फिलहाल भरा हुआ है। और गाइस पता है ये जो है जगह है यहाँ कोयला का खदान है, फिर से एक बार बता दिए आप लोगों को। और गाइस आपको एक खूबसूरत चीज देख रहे हैं आप लोग, कांसी आप देखिए दोनों साइड से कितना मस्त नजारा लगता हुआ देखने में। और आनंद भी पीछे से फोन से शूट कर रहा है, आप देखिए आप बताइए कैसा लग रहा है देखने में, कांसी का देखिए ना कितना जबरदस्त है ना। वाह यार लाजवाब, मन तो कर रहा है यार रुक के ना एक दो फोटो निकाल ले, बहुत लाजवाब है। और आगे आगे भी एक भैया गए गाड़ी लेके और वो भी अपना कैमरा चालू करते हुए गए हैं, क्योंकि यार इतना मस्त लोकेशन ही है ना, क्या बताएं। आप देखिए ये है पूरा का पूरा झारखंड है यार। और एक बात बताए गाइस, आप लोग ना मेरा ब्लॉग यार शेयर नहीं करते हो, तो यार शेयर कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगता है और मेहनत तो लगता है लेकिन वही बात है मज़ा भी आता है। तो आप लोग भी आए घूमने और हमारा ब्लॉग आप शेयर करें ताकि हम ना आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकें। आप देखिए इधर के भी लोग हैं, आप लोगों को देख सकते हैं ये सारे जो है इधर जो पहाड़ से जो निकलती हुई पानी आती है ना झरना टाइप से बन के जो चलती है वही सब में सब नहाते हैं बहुत। इधर झरना तो छोटा छोटा झरना ना बहुत सारा। Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my lips. So guys, अभी हम लोग हैं कुंज बोना में, आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता। और हम लोग आए हैं अभी उधर से और एक रास्ता इधर गया है जो कि हम लोग को जाना है। और हम लोग का जो मेन लोकेशन है जो आपको बता दें इस जगह पे आके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंचनगढ़ गुफा प्राचीन शिव मंदिर 5 किलोमीटर। तो गाइस हम लोग को कंचनगढ़ गुफा इधर ही जाना है, जो कि गाइस आपको बता दें कि इधर जाना है, ये लिट्टी पाड़ा रोड है, इधर से लिट्टी पाड़ा जा सकते हैं आप, ये वही रोड है। लोग गए घूमने? हाँ लोग गए हैं आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए हम लोग भी आए घूमने। अच्छा अच्छा, आप एक चीज़ दिखाएं आपको, यहाँ पे एक इसको मिरर लगा हुआ है। तो गाइस चलिए बिना देर किए हम लोग अब यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर बचा है तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों हम लोग अब कंचन बोना से निकल रहे हैं, कुंज बोना से निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा सॉरी। तो गाइस हम लोग कुंज बोना से निकल रहे हैं और हम लोग को जाना है कंचनगढ़, क्या सही बोला ना इस बार? तो दोस्तों हमको लगता है कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है क्योंकि हम लोग को जहाँ आना था ना वहाँ आ चुका है, यहाँ से जाए तो थोड़ा सा दूर बचा है। आप देख सकते हैं हम लोग आए इधर से जो आपको दिखाएं गोड्डा साइड से जो आते हैं, तो हम जो वो क्या था कुंज बोना वहाँ से जो आए सीधा तो ये वाला रास्ते पे आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गाइस कंचनगढ़ गुफा, जो कि हम लोग को इधर जाना है। और इधर से जो आते हैं गाइस वो है लिट्टी पाड़ा रोड, इधर से लिट्टी पाड़ा रोड है, आ सकते हैं घूमने आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भैया कंचनगढ़ गुफा तो इधर से कितना दूर है? बस यही ऊपर में है ना, एक भाई यहाँ पे लोकल भी मिले हैं हमको, क्या बात है। ओके भैया थैंक यू सो मच। तो
दोस्तों हम लोग फाइनली जा रहे हैं वही जगह पे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए। चलो आनंद बिना लेट किए हम लोग चलते हैं। वाओ, तो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ कंचनगढ़ गुफा में आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा, हम लोग इधर में अदर कास्ट नहीं, यहाँ लोग पहाड़िया लोग रहते हैं और संथाल लोग। अच्छा, तो यहाँ उतना ज्यादा वो लोग को डेवलप नहीं है और चोरी चकारी बहुत। और आनंद यहाँ पहले भी घूमने आया है ना, इसीलिए आनंद को ये सब चीजें पता है। और यहाँ चढ़ने से पहले गाइस आपको दिखा दें साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शिलान्यास है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा। थोड़ा सा हटा दें सब घास वास, आपको यहाँ पे पढ़ा दे, आप देख सकते हैं गाइस, पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और पता है एक चीज हम आपको बता दें, बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग चढ़ेंगे फटाफट से और देखते हैं कि क्या क्या है। और मैं यहाँ से एक बार दिखा दूं पीछे, देखिए ओ वाह, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, है ना कमाल की जगह। इस बार तो गाइस आप लोगों को हम कमाल की जगह घुमा रहे हैं। देखिए सीढ़ी एकदम मस्त घुमावदार है। अरे यार लगता है अच्छा खासा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एकदम सीढ़ी जो है मस्त घुमावदार है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि लोग ना थोड़ा कम आते हैं इधर, आप देख सकते हैं। मैं गाइस सबको पूरा का पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो ना हमको लगता है क्या थोड़ी लंबी होगी, आप लोग देखिए पूरा यहाँ से फिर से हम लोगों को मोड़ लेना है, काफी घुमावदार है। ओह ओह माय गॉड, एक बात जानते हो प्रीतम? हाँ बोलो। ये पर्यटन के लिए बनाया गया है, समझ गया। हाँ, लेकिन यहाँ उतना फेमस नहीं होने के कारण कोई आता नहीं, तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पहाड़ों में सबसे ऊपर चोटी में हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग ना यहाँ पे ऊपर पे चढ़े हैं, और यहाँ का आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन कितना मस्त है। अपना सेल्फी स्टिक को और थोड़ा सा दूर कर दें, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त लोकेशन है दोनों साइड से, ठीक है। और जो हम लोग को और गुफा में भी और सीढ़ी में चलना है, देखिए वहाँ पे बांस लगा दिया है, और हमको पता नहीं लग रहा था कि अलाउड है कि नहीं यहाँ से जाने का, क्योंकि सुने थे इस जगह के बारे में कि घुसने नहीं देता अंदर, लेकिन एक भाई कोई है ऊपर में जो बोला कि आ सकते हो, तो चलिए हम चलेंगे ऊपर ही। एक भाई है तो उनसे मिलेंगे, तो हेलमेट ले लेते हैं। भाई हम लोग चले हैं धीरे धीरे करके ऊपर, और इसके बाद देखते हैं वहाँ क्या है और नहीं। और ये देखिए ये जो पानी है जो गाइस ये पहाड़ों के बीच से सरवते हुए पानी, यहाँ बहुत अच्छा पानी है, पी सकते हैं यहाँ का पानी। और देखिए यहाँ पे बांस लगा हुआ था गाइस, तो हम लोग फिर भी चढ़ रहे हैं क्योंकि एक भाई देखते हैं ऊपर में है। लोकेशन तो काफी ऑसम है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है कौन भाई था इधर? यहाँ पे वो कौन सा गुफा है? अच्छा अच्छा वो गुफा यही है, इधर आगे कुछ नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ से आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे आप यहीं रहते हैं, यहाँ से इधर तो बैन कर दिया है, इधर नहीं जा सकते हैं। और गुफा जाने के लिए हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक लोग हैं यहाँ पे। चप्पल वहीं पे खोल दो। अच्छा तो चलिए चप्पल में ही खोल देता हूँ। और जो गुफा है गाइस
जो आप लोग को सच बताएं, बस हम लोग ना ये गुफा ही देखने आए थे और आप लोग को दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अंकल भी हैं। तो हेलमेट हम ना नीचे रख देते हैं ताकि आप लोग को दिखा सकें अच्छे से, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो गुफा है, ये गुफा हम लोग देखने आए थे, आप थोड़ा सा और जाके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अंकल जी हैं यहाँ, ठीक है। तो आइए, अंकल जी एक रहे हैं साथ में हम लोगों के, ठीक है। आप देख सकते हैं यही वो गुफा है गाइस जो हम लोग आए देखने स्पेशल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा गाइस कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि। अच्छा ये अंदर क्या है? रास्ता है अंदर जाने का, और उधर वो तरफ। तो शिव मंदिर जो एक बोलते हैं, कहाँ शिव मंदिर है? ये है तो यही से मंदिर है। अच्छा सॉरी नहीं पता था गाइस, यहाँ देखिए यहाँ पे पूजा होते हैं, पूजा हुआ है, ताजे ताजे फूल हैं यहाँ पे। तो अंकल मिले हैं वो, उनका खाना पीना यहीं बनते हैं। और ये जो गुफा आपको दिखाए अंदर से जाने का रास्ता है, और उधर से हम लोग को दिखाएगा थोड़ा अंदर जाके? देखो जाओ, चलिए ना आप लोग थोड़ा चलिए आगे आगे देखते हैं कितना बड़ा है। बेसी दूर नहीं, नजदीक में है, जाइए ना। अच्छा तो अंकल जैसे बोले हैं तो हम भी जाके देखते हैं ये वाला गुफा देख रहे हैं जाके कि क्या क्या है अंदर में। और आप लोग को ऐसे ये वीडियो ना लाइक करना है। आप देख सकते हैं अंदर में, ओ यहाँ पे शिव मंदिर है, आप जहाँ जैसे देख सकते थे यहाँ वो शिव मंदिर है। आनंद जरा आओ, जरा अपना फ्लैश जलाओ, जरा फोन का दिखाते हैं। हाँ ये वो गुफा है गाइस जो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है क्या, काफी पुराना है। आप ये मिट्टी है या पत्थर ही है, आप देख सकते हैं। आनंद जरा फ्लैश जलाओ, जरा देना फ्लैश चालू है। सो गाइस देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा ये जो गुफा है, आप देख सकते हैं। इधर पता नहीं आपको दिखाई देता होगा या नहीं, नहीं पता हमको, क्योंकि पानी भी टिप 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 चल रही है। आप देखिए ये वो गुफा का नजारा है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा। और ऊपर आप देख लीजिए, ओह माय गॉड, इधर भी देखते हैं सुरंग टाइप का बना हुआ है। आप देखिए अंदर एकदम गुफा टाइप का है गाइस, पता है हेवी लाइट नहीं है, हम आपको मोबाइल के फ्लैश से दिखा रहे हैं। और ऊपर भी शायद आपको ना बहुत कुछ नहीं दिख पाता होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के पास हेवी लाइट नहीं है, हम आपको जो दिखा रहे हैं वो मोबाइल का फ्लैश है दोस्तों, ठीक है। देखिए पहाड़ पानी कैसे टपक रहा है यहाँ से, देख सकते हैं। और जो वहाँ पे लिखा हुआ था शिव मंदिर, तो देखिए यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होते हैं। जगह को थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए हमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, थोड़ा सा बेहतरीन बनाना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं क्या पहाड़िया राजा रहते थे ये सब में, हम आपको दिखा रहे हैं गाइस। ये वाला गुफा अंदर घुस सकते हैं? है ना। तो अभी हम लोग उधर से आए और इस साइड भी एक गुफा है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये वाला गुफा में हम घुस रहे हैं, ठीक है। आपको दिखा रहे दोस्तों, पता है दोस्तों पूरा का पूरा मिट्टी का है, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं। मैं आपको मोबाइल का फ्लैश जला के दिखा रहा हूँ, और पता है अब यहाँ फ्लैश जला के आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देखिए पूरा, हाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ से बोला अंदर जाने का अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक आ गया आप लोग को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस यही है, और देखिए यहाँ पे पानी कैसे चू रहा है। तो गाइस हम लोग जो उतना दूर से आए ना, बस ये गुफा ही देखने आए थे कि कंचनगढ़ गुफा किस तरह का है। लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, कोई कोई जब किसी के मुँह से सुनते हैं, तो आज मैं आप लोग को वही दिखाने आया हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस, यहाँ पूरा ना ये मिट्टी है, मिट्टी पत्थर है गाइस, लेकिन नीचे ना पूरा मिट्टी है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पानी कैसे गिर रहा है, आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा किस तरह का है। हम आपको जो दिखा रहे हैं आपको बताएं, मोबाइल का फ्लैश से दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, देखिए
तो गाइस हम लोग ना यहाँ अब अंदर यहाँ से बोल रहा है जाने का अलाव नहीं है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहीं से लौट चलेंगे। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। और गाइस नीचे जो है ना मिट्टी है, आप देख सकते हो। और यहाँ भी भगवान शिव के एक त्रिशूल आपको देखने को मिलेंगे। ये बताइए कि जहाँ तक अभी हम घूमने गए, ठीक है, तो वहाँ से अंदर और कोई जाता है नहीं? वहाँ जाता है लेकिन तो बहुत दूर है ना, थोड़ा नजदीक में घूमता है, हार जाता है, भीतर तो नहीं जाता है कोई भी। अच्छा, और कोई बात है कि उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा है ना। अंधेरा है, लाइट लेके जाएगा होने से भी डर भी है। डर भी है, सही बात है, डर भी है। कौन जाएगा अंदर में? आप गए नहीं, पूरा अंदर घुसेंगे नहीं? नहीं घुसा, वही तो बोलता है। तो गाइस पता है आपको, यहाँ पे एक चीज बता दें आपको, एक रहस्यमय चीज है कि ये गुफा का जो है ना अंत तक कोई नहीं गया अभी तक, अंदर जो है ना कोई नहीं गया। हम भी गए, आपको आपको आधा दूर से दिखाएं, आधा दूर भी नहीं गए, थोड़ा दूर घुसे हैं आपको और थोड़ा सा ही दिखाएं आपको, ठीक है। यहाँ पे अंदर बहुत बड़ा है और यहाँ अंदर नहीं जा पाता है। को खराब करने के लिए जूता लगाएगा, कहाँ राज में सकाई के रास्ता घाट में थूकेगा, ये तो पवित्र जगह में खराब करने के लिए ये सब सीढ़ी क्यों बनाया है? झूठ मूठ का हम देखो, एक साल हुआ बहुत दुख मिलता है, पैसा नहीं। अच्छा, एक दो रुपया पैसा देने को नहीं, जगह लेतरा करने को आता है आदमी लोग। सो गाइस आज तक यहाँ जो आते हैं ना, गुटखा पान पुड़िया खाते हैं, थूक देते हैं रास्ते में, तो जैसे हम आपको सीढ़ियाँ दिखाएं, तो अगर आप जो घूमने आते हैं तो कृपया वैसा ना करें। और अपना थोड़ा ध्यान रखें कि चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, ये अपना ही है, अपना जगह है और प्रकृति का यार अपना है, तो जितना साफ़ सुथरा रखें उतना बढ़िया होगा। प्लास्टिक व्लास्टिक भी लेके ना आए। कैसा है, क्या आनंद, मज़ा आया? बहुत बहुत बहुत। लेकिन एक बात है आनंद, अगर हम कहेंगे तो कि अगर जगह को ना थोड़ा अगर अच्छा से बनाएगा, ठीक है, हम हेलमेट भूल गए सॉरी, तो सबसे पहले मैं अपना हेलमेट यहीं रख दिया था, ले लेते हैं। अगर हमको लगता है कि थोड़ा सा ना अगर वहाँ पे मंदिर वंदिर अगर बना देते हैं अच्छे से। नहीं, फंड में आया हुआ था लेकिन बट बनाया नहीं, सिर्फ सीढ़ी बना के छोड़ दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बोल रहा है। तो गाइस सब अब फाइनली नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखाएं ये कंचनगढ़ का गुफा, जो कि गाइस एक मिट्टी का गुफा है और बहुत प्राचीन गुफा है गाइस। और यहाँ बोलते हैं कि पहाड़िया राजा रहते थे यहाँ पे। तो गाइस अगर यहाँ पहले आप आ चुके हैं तो कमेंट करके बताएं, और हमारा ब्लॉग ये वाला आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी जगह दिखा सकूं। तो गाइस हम लोग को जितना मजे करना था हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं घर। तो आनंद कैसा लगा घूम के? मज़ा आया बहुत ज़्यादा ही। और पता है ये जो है ना जगह गाइस पूरा खूबसूरत वादियों के बीच में और ऊपर में, रियली बताएं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया घूमने में। और अब हम लोग चल रहे हैं घर। अब आप लोग की बारी है हमारे वीडियो को ना कर देना, जो करना है कर देना, ठीक है। एक चीज दिखाएं दोस्तों आपको दिखा रहे हैं आनंद क्या कर रहा है इमली जगा रहा है, बताइए। बीच रोड में खड़ा हो गए, कहाँ रुके हमको खुद नहीं पता, रास्ते पे इमली का पेड़ देख लिया है, बोलता है कि हम इमली गिराएंगे। खाके दिखाओ जरा इधर, खाके दिखाओ, खाओ जरा इमली। किसका किसका मुंह में पानी आया पहले बताओ अरे